आगे बढ़ते हैं। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को अब क्या नई धमकी दी, चीन की चुनौती पर भारतीय एयरफोर्स की क्या है खास तैयारी, जमीनी जंग में चीन के सफाए का क्या है ब्लूप्रिंट, चीन की साजिशों से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 भारत चीन टक्कर में। चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अगर LAC पर भारतीय फौज ने चीन की सेना पर फायरिंग की तो चीन भारतीय सेना को तबाह कर देगा। अपनी फौज को मजबूत करने का चीन का प्लान चौपट होता दिख रहा है। चीन फौज की ताकत बढ़ाने के लिए मंगोलिया और तिब्बत से नौजवानों को PLA में भर्ती करना चाहता था, लेकिन स्थानीय युवाओं ने चीन की सेना में शामिल होने से इनकार कर दिया। चीन नेपाल के साथ मिलकर भारत को घेरने की साजिश कर रहा है। नेपाल चीन की मदद से भारत नेपाल बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती को बढ़ा रहा है। नेपाल ने ब्यास इलाके में सशस्त्र बलों को तैनात किया है। यहाँ नेपाल के सैनिकों के लिए बैरक भी बनाया जा रहा है। भारतीय सेना के हौसले बुलंद हैं। सैनिकों के जोश को बढ़ाने के लिए एक वीडियो जारी करते हुए विजय गीत लिखा है, जिसमें कहा गया है, अग्नि सी धधक उबाल रख रक्त में, शत्रु दमन करे उसे गिरा गर्त में, वीर बन शक्ति रख हो सदा विजयी, आग बन राख कर हो सदा विजयी। LAC पर तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने कहा कि एयरफोर्स दोनों फ्रंट पर दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है। एयरफोर्स ने कहा कि भारतीय वायुसेना रात के समय दुश्मन के खिलाफ अभियान चलाने और दुश्मन को तबाह करने में पूरी तरह सक्षम है। वायुसेना ने POK और चीन बॉर्डर के करीब सुखोई 30 MKI फाइटर जेट उड़ाकर अपनी ताकत दिखाई। इससे पहले वायुसेना लद्दाख के आसमान में राफेल की तैनाती कर चुकी है। वायुसेना चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर दुश्मन के खिलाफ पूरी मजबूती से अपनी तैयारियों में लगी है। चीन और पाकिस्तान की हिमाकत को देखते हुए भारत ने पिनाक रॉकेट्स, लॉन्चर्स और जरूरी उपकरणों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी शुरू कर दी है। पिनाक असल में एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जिसकी रेंज 37.5 किलोमीटर है, जिससे 44 सेकंड्स में 12 रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। भारत और जापान उत्तरी अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास करेंगे। 26 से 28 सितंबर तक ये नेवी एक्सरसाइज होगी। इस युद्धाभ्यास के जरिए इंडियन नेवी एक बार फिर समंदर में चीन को अपनी ताकत दिखाएगी। चीन की सीमा पर अवैध निर्माण की खबर दुनिया में फैलाने के बाद नेपाली कांग्रेस के होश ठिकाने आ गए हैं। चीनी अतिक्रमण कर बनाई गई इमारतों की जांच के लिए 12 टीमें जुटी हैं। इससे पहले नेपाल चीनी अतिक्रमण से इनकार करता रहा है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर, सपने टूटे आपके न घर के न घाट के, देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे, फिक्र आपकी